तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। कर्नाटक से शुरू धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया है। कर्नाटक के उडुपी की एक छात्रा और हिजाब बैन केस में शामिल याचिकाकर्ताओं में से एक हाजरा शिफा ने आरोप लगाया है कि उसके भाई पर दक्षिण पंथी समर्थकों को भीड़ ने हमला किया है। उन्होंने इस हिंसा को हिजाब पहनना जारी रखने के अपने फैसले से जोड़ा है। हाजरा शिफा ने उडुपी पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट में लिखा, मेरे भाई पर भीड़ ने बेरहमी से हमला किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं अपने हिजाब के लिए खड़ी हूँ, जो कि मेरा अधिकार है। हमारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचाया गया, क्यों? क्या मैं अपना हक नहीं मांग सकती? उनका अगला शिकार कौन होगा? मैं संघ परिवार के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती हूँ। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट से कहा कि हिजाब मामले में याचिकाकर्ता ने सिर्फ इसे पहनने की अनुमति मांग रही है, बल्कि यह घोषणा भी चाहती है कि इसे पहनने इस्लाम को मानने वाले सभी लोगों पर धार्मिक रूप से बाध्यकारी है। राज्य सरकार ने कहा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है और धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रखना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में अगले आदेश तक सभी छात्रों को कक्षा के भीतर भगवा शॉल, भगवा गमछा और हिजाब पहनने या किसी अन्य धार्मिक झंडे को रोकने से रोक दिया है।